रामनगर में पीएनजी राजकीय स्नानोत्तर महाविद्यालय में साल 2023 के छात्र चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। नामांकन के दिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि इस साल अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हीरा सिंह राणा और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से ललित कड़ाकोटी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही प्रत्याशी महाविद्यालय को जहाँ एक और मॉडल कॉलेज बनाने की बात करते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दोनों ही प्रत्याशियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। देखिए, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो मैं इस बार एनएसएस जो प्रत्याशी हूँ, मैं इस बार छात्र संघ का जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो कॉलेज के अंदर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने को लेकर, महाविद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर मैं इस बार मुनाव के कुछ मुद्दे लेके चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। देखिए, इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है तो हल्के फुल्के जो समर्थक है, लिंग दो के जो नियम के पालन पूरा करा जा रहा है और हल्के फुल्के जो समर्थकों के साथ रैली निकाली जा रही है वो जायज है। बहुत ही अच्छा माहौल है छात्रों का मेरे प्रति। आज नॉमिनेशन एक बहुत ही अच्छा जीन है, हर किसी प्रत्याशी के जीवन बहुत ही अनमोल समय होता है और जीतने के बाद अगर छात्र मेरे पक्ष में 7 तारीख को मतदान करते हैं, सबसे पहले जो अभी तक हम बता दे रहे हैं, हमारा सबसे सपना है हमारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाना, क्योंकि जितनी परेशानी जो बुक से रिलेटिव आ रही है, टीचर से संबंधित आ रही है, लैब में सारी चीज़ें संबंधित आ रही है, वो चीज़ें सब एक साथ सॉल्व हो जाएंगी तो हम सब एक साथ एक लड़ाई लड़ने वाले हैं जो हमारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज को विकसित करेगा। क्या तुम इस बार जीतने के बाद ऐसे ही करोगे या अलग? ऐसा नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक नाम है, किसी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं है। वो बड़े हैं, वो अपना आशीर्वाद हमें हर साल देते हैं, उनके आशीर्वाद के हम आकांक्षी रहते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने एजेंडे पे और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे कार्य करता है। वही छात्र संघ चुनाव प्रभारी प्रोफेसर एसएस मौर्य ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर 3 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई और 4 नवंबर को नाम वापसी के बाद 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा और इसी दिन मतगणना के बाद विजय प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस साल चुनाव प्रक्रिया में करीब 4000 छात्र छात्राएँ भाग लेंगे। अभी हमारी प्रोग्रेस प्रक्रिया जारी है और कुछ रिजल्ट हमारे यूनिवर्सिटी से आने हैं। अभी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेम के, तो जैसे ही रिजल्ट उनके आते हैं हम प्रवेश करेंगे उसकी, और पीजी के प्रवेश हो रहे हैं, कुछ प्रवेश हमारे जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो संख्या हमारी वोटर्स की इस पर 4000 के आसपास अनुमानित है। मतदान हमारा 7 तारीख को है, 8 बजे से 2 बजे तक मतगणना, उसके तुरंत बाद संपन्न होगा और नाम वापसी कल है। नहीं, हमने प्रशासन को इसके बाबत पत्र भेज दिया है तो प्रशासन अपने स्तर पे उसको देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं वो और किस तरह से उसको ठीक करेंगे। बाकी कॉलेज कैंपस में हमारे यहाँ कोई किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। Keep going! Keep going!